हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आप लोगों ने यह वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह पार्ट नंबर जो हमारा होने वाला है, यह 20 होने वाला है। तो आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो लेक्चर्स 1 से लेकर 90 तक नहीं देखे हैं जीके जीएस के, तो उसे जरूर देखिएगा। देखना इसलिए है आप लोगों को क्योंकि यह 2023 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। यदि आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपके लिए 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, उसके बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करने का यदि मन करेगा तभी करिएगा, वरना छोड़कर वीडियो चले जाइएगा। तो दोस्तों, यह क्वेश्चंस जितने भी आपके लिए हैं, टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्ट करके लेकर आ चुके हैं। चलिए, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लोहा और इस्पात उद्योग के संदर्भ में जो है शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सही नहीं है। तो इनमें से जो युग्म सही नहीं है आपको बता दिया जाए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भिलाई छत्तीसगढ़। यह आपका बिल्कुल गलत है, इसलिए इसको ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर करिएगा कि भारतीय संविधान का 74वां, याद रखिएगा, भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 में निम्न में से किससे संबंधित था। तो दोस्तों, यह जिससे संबंधित है आपको बता दिया जाए, यह नगर पालिकाओं से संबंधित है, याद रखिएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, महाजन कमीशन रिपोर्ट 2020 का संबंध निम्न में से किन राज्यों के सीमा विवाद से है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र से है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों को इसमें से किसी भी क्वेश्चंस का आंसर पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन से वीडियो लेक्चर्स बहुत अच्छे लगे हैं और किस पर, किस टॉपिक्स पर आप लोगों को वीडियो चाहिए। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा कि गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं के द्वारा की जाने वाली जो है जीवती पूजा मुख्य रूप से डैश राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की जाती है। तो आप लोग जरूर करिएगा कि गुजरात के अलावा और किस राज्य में की जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि जो सटे राज्य होते हैं, महाराष्ट्र जैसे आप लोग देख सकते हैं, यूपी से सटा राज्य जो है आपका बिहार है, तो आधी यूपी में लगभग भोजपुरी बोली जाती है, इसलिए जो है वहाँ का प्रभाव पड़ता रहता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर गुजरात है, गुजरात से सटा है आपका महाराष्ट्र, इसलिए यहाँ भी ऐसा किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासकों ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली या धर्म की शुरुआत की थी। तो आप लोग बताइएगा वह किन शासकों ने की थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अकबर शासकों ने यह की थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय के एक चक्र एक जो है कार्डियक साइकिल में मछली के हृदय से रक्त कितनी बार गुजरता है। तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार ही, याद रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा एक बार ही। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर जरूर देखते रहेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है। तो आपका करेक्ट आंसर आना चाहिएगा दोस्तों, लॉर्ड विलियम वेन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, मौर्य वंश ने निम्नलिखित में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था। तो हमारा जो मौर्य वंश था दोस्तों, मौर्य वंश ने क्या किया था, यह किस राजवंश के बाद जो है मगध पर शासन किया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्होंने मौर्य वंश ने क्या किया था, इन्होंने नंद राजवंश के जो है बाद जो है मगध पर क्या किया था, शासन किया था, याद रखिएगा, नंद राजवंश के बाद ही इन्होंने शासन किया था इस पर। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अगस्त 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई एक परिपत्र के अनुसार 1 अक्टूबर 2021 के बाद से एक महीने में कुल कितने डैश घंटे की अवधि तक एटीएम में नगदी होने की स्थिति में बैंकों पर 10,000 प्रति एटीएम
का जुर्माना लगाया जाएगा। तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है। तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि 10 घंटे की अवधि तक एटीएम में नकदी नहीं होने की स्थिति में उस पर बैंकों पर क्या है 10,000 प्रति एटीएम का जुर्माना भी लगाया गया था, यदि 10 घंटे से पहले उसमें पैसा नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा। 2020 के पुर्तगाली ग्रेड प्रिक्स में निम्नलिखित में से किसने अपनी जो है 92वीं जीत के साथ फार्मूला 1 का रिकॉर्ड बनाकर माइकल जो है शूमाकर को पछाड़ा और सूची में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया था। तो आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट बॉक्स में भी जरूर करिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों लुइस हैमिल्टन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जो डैश गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी, तो दोस्तों गोवा की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। तो दोस्तों गोवा की पहली महिला जो राज्यपाल थी वह आपकी कौन थी, मृदुला सिन्हा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा मृदुला सिन्हा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो सहायक रेफरी VAR प्रणाली का उपयोग डैश के खेल में किया जाता है, तो दोस्तों VAR प्रणाली का उपयोग जो है किस खेल में किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल, याद रखिएगा फुटबॉल में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों शांताराम निम्न में से किस लेखक के द्वारा रचित उपन्यास है, तो दोस्तों शांताराम जो है या जिस लेखक के द्वारा रचित उपन्यास है वह आपको बता दिया जाए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेगरी डेविस रॉबर्ट्स, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर करिएगा। भारत के प्रथम और एकमात्र निजी जेट टर्मिनल का उद्घाटन 17 सितंबर 2020 में कहाँ किया गया था, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में भी इसका क्वेश्चन करिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में किया गया था, याद रखिएगा आपका करेक्ट आंसर दिल्ली हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों महामघम उत्सव प्रत्येक वर्ष 12 वर्ष में एक बार डैश में मनाया जाता है, तो दोस्तों महामघम जिसे हम लोग माघ का मेला कहते हैं याद रखिएगा वह कहाँ पर मनाया जाता है, तो आप लोग फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये दोस्तों यह जो 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है यह कहाँ पर मनाया जाता है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह तमिलनाडु में मनाया जाता है, याद रखिएगा यह तमिलनाडु में भी मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 1991 से लेकर 1992 में पहला डैश विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया था, तो दोस्तों क्या प्रदान किया गया था, तो दोस्तों पहला आपका जो रहेगा पहला राजीव गांधी खेल पुरस्कार रत्न जो है प्रदान किया गया था इन्हें, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किसे तरल अस्थियों तथा मांग एवं आवादिक देवताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक जो है चल निधि अनुपात, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवैधानिक चल निधि अनुपात आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों नवंबर 2020 में जो है मूडीज इन्वेस्टर सर्विस द्वारा जारी आकलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी, याद रखिएगा भारत की जीडीपी कितनी रहने का अनुपात अनुमान रहा है, तो आपको बता दिया जाए जितना रहने का अनुमान रहा था 2021 में वह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10.6% आपका जीडीपी अनुमान रहने का अनुमान लगाया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने वर्ष 10 में वेकोरा फूट पारंपरिक कृषि को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAHS के रूप में घोषित किया था, तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्योंकि इसे स्टार मार्क जरूर लगाइएगा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 2012 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है हंटर कमीशन की नियुक्ति जो की गई थी वह आपको बता दिया जाए यह वर्ष 1882 में की गई थी। याद रखिएगा डेट्स आप लोग जरूर याद करते रहिएगा क्योंकि 100% आपके एग्जाम में डेट्स पूछे ही जाते हैं, तो कोई भी डेट्स हो आप लोग उसे जरूर याद करिएगा, या विश्व युद्ध का हो या युद्ध का हो आप लोग उसे जरूर याद करिएगा क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो स्टेटमेंट्स इज नॉट ए फीचर ऑफ सॉयल, तो आप लोग बताइएगा वह कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉलोइंग जो नहीं करता है कि इज नॉट फीचर ऑफ सॉयल यानी मिट्टी का, तो आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा यदि आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। चलिए इनमें से आप लोगों को 50% की छूट देते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा ये भी नहीं हो सकता आपका और ये भी नहीं होगा आपका, पहले और चौथे में से आपको ऑप्शन में से बताना है, तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आपके लिए लेटेस्ट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2023 के प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप लोग जरूर उसे देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा क्योंकि आपके लिए ही वीडियो बनाई जाती है, तो अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।